मध्य प्रदेश के सहकारी संस्था कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी आगर स्थित बाबा बैजनाथ से पैदल यात्रा करते हुए भोपाल पहुंचेंगे, जहां सीएम शिवराज के सामने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को रखेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आगर के सहकारी संस्था कर्मचारी बुधवार को बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचे, जहां से चरणामृत लेकर उन्होंने भोपाल के लिए पैदल यात्रा शुरू की है। कर्मचारी भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाबा बैजनाथ का चरणामृत भेंट करेंगे और अपनी वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को रखेंगे। कहां जा रहे हैं आप आज? आज पैक्स कर्मचारी संघ और पीडीएस विक्रेता अपनी कुछ विशेष मांगों को लेकर निवेदन करने के लिए बाबा बैजनाथ महादेव की पवित्र चरणामत और बाबा बैजनाथ का पवित्र चित्र लेकर पद यात्रा करते हुए भोपाल माननीय हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी मामा जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि सभी विभागों का वो कहीं ना कहीं सौगातें देकर भला कर रहे हैं, तो हम भी जन जन तक अन्न पहुँचाने का काम करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 0% पर देकर किसानों के साथ हम जो है उनकी खेती में प्रगति के लिए शासन की महती योजनाओं का पालन करवाते हैं। साथ ही हम समर्थन मूल्य का काम करते हैं। अनेक शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन हम धरातल तक पहुंचाते हैं, और हम अगर अछूते रहें तो मामा जी को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, इनको अछूता नहीं रखना चाहिए। इसलिए हमें पूर्ण उम्मीद ही नहीं, आशा ही नहीं, यकीन है कि हमारे मामा जी हमारे पीडीएस विक्रेताओं का और पैक्स कर्मचारियों का वेतन भी दोगुना करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम पवित्र चरणामत और बाबा बैजनाथ का चित्र लेकर शांतिपूर्वक एक सद्भावना के रूप में सकारात्मक रूप में शासन के विरोध में नहीं कर रहे हैं, हम एक सकारात्मक रैली के रूप में ये यात्रा चरणामत लेकर जा रहे हैं, और माननीय हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी मामा जी और मामे जी को पवित्र चरणामत भेंट कर हम अपनी बातें रखेंगे कि हमारा भी आप सब विभागों का भला कर रहे हैं तो हमारा भी आप भला करेंगे। धन्यवाद। आगर मालवा से राजकुमार रघुवंशी की रिपोर्ट।